आज हम कक्षा साथी विषय हिंदी पाठ तीसरा मैं हूँ रोबोट का अध्ययन करेंगे। मैं हूँ रोबोट निबंध के लेखक है राजीव गर्ग। राजीव गर्ग, मैं हूँ रोबोट, आपको रोबोट नाम सुनते ही पता चल गया होगा कि ये एक मनुष्य नहीं है, ये कोई व्यक्ति नहीं है, एक यंत्र या मशीन है। जिस प्रकार हम किसी मशीन को काम कराते हैं तो जो हम आदेश देंगे वह वही काम कर सकता है। और मनुष्य जैसे मनुष्य रहता है उस तरह यह अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। कंप्यूटर जो आदेश देता है वही कार्य ये रोबोट कर सकता है। तो आज हम इस निबंध का अध्ययन करेंगे। मैं एक यंत्र मानव, कौन कह रहा है? रोबोट कह रहा है मैं एक यंत्र मानव हूँ, जो आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं। मुझे देखकर आपको हैरानी होगी, मेरा रंग आकार और शरीर तुमसे नहीं मिलता, यानी मनुष्य के जैसा शरीर किसका नहीं है? रोबोट का। इसका रंग अलग है, इसका आकार अलग है। हम जानते हैं जैसे मनुष्य कार्य करता है, मनुष्य क्या है? सजीव है। तो जिस प्रकार मनुष्य कार्य करता है और मनुष्य सांस लेता है उस प्रकार रोबोट कार्य तो कर सकता है परंतु मनुष्य के जैसे सांस नहीं ले सकता, जो बात हो रही है उसको महसूस नहीं कर सकता, वह समझ नहीं सकता। तो मनुष्य और रोबोट में अंतर है। हम ये नहीं कह सकते कि रोबोट एक मनुष्य है, एक ये मशीन है। फिर भी मैं तुम्हारे जैसे बहुत से काम कर सकता हूँ। रोबोट के जैसे मनुष्य काम करते वैसे मैं सारे काम कर सकता हूँ, और वे भी जो तुम नहीं कर सकते। मनुष्य कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता, जैसे कहीं बहुत अधिक बदबू हो रखी है उस स्थान पर नहीं जा सकता। जैसे पहले हमें पता है कि मंगल ग्रह पर पहले मनुष्य नहीं गया था, पहले वहां पर यंत्रों को भेजा गया था, यानी यंत्र या मशीनें भेजी गई थी। उसके अनुसार हमें पता चला कि वहां पर मंगल ग्रह पर मनुष्य जा सकते हैं या नहीं जा सकते, वहां जीवित रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, ये हमें जानकारी सभी यंत्रों द्वारा प्राप्त हुई है। तो मनुष्य जो काम नहीं कर सकता वह यंत्र या रोबोट कर सकता है। मेरा शरीर हार्ड मास का नहीं बल्कि लोह, इस्पात और प्लास्टिक का बना। रोबोट कहते हैं जिस प्रकार मनुष्य का शरीर बना हुआ है, मनुष्य का शरीर किससे बनता है? हार्ड मास से। परंतु मेरा शरीर किससे बना है? लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना हुआ है, और इसी से मेरा शरीर बना है। मेरी भी टांग, भुजा और अंगुलियां है। जिस प्रकार मनुष्य के हाथ पैर, तो वो कह रहा है मेरे भी हाथ पैर है पर वो मनुष्य जैसे है। किसके जैसे? रोबोट है वो, तो लोहा और प्लास्टिक इस्पात से बना हुआ है, तो उसके हाथ पैर उंगलियां वैसी होगी, लोहे की बनी हुई। लेकिन मेरे ये सभी अंग धातुओं से बने। किससे बने हुए? धातु से। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर मांसपेशियों, हड्डियों से, इनसे बना है, अस्थियों से, परंतु इसका शरीर धातु से बना है। धातु कौन सी? अभी हमने बताया, इसके टांग, हाथ, लोह, इस्पात और प्लास्टिक से बने हुए हैं। निर्जीव होते हुए भी मेरे सब अंग तुम्हारी ही तरह काम करते हैं। अंग यानी हमारे शरीर के जो भाग हैं, हिस्से हैं, जिस प्रकार मनुष्य काम करते हैं वैसे ही रोबोट के भी अंग काम करते हैं, यानी शरीर के अंग हिस्से भाग काम करते हैं। मैं चल सकता हूँ, उछल सकता हूँ, कूद सकता हूँ। जिस प्रकार मनुष्य कूद सकता है, उछल सकता है, वैसे ही रोबोट भी उछल सकता है, कूद सकता है। तुम्हारी तरह हाथों की उंगलियों से मशीन के पुर्जे फिट कर सकता है। जिस प्रकार मनुष्य फिट करता है, यानी किसी भी मशीन को बनाने वाला कौन है? मनुष्य। अब रोबोट को भी किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया है। रोबोट स्वयं तो नहीं बन सकता, या कोई भी यंत्र हो, मशीन हो, वो स्वयं नहीं बनती, यानी मनुष्य से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य कार्य कर सकता है वैसा कार्य रोबोट नहीं कर सकता। रोबोट कहता है मुझे बनाने वाला भी कौन है? मनुष्य है। तो मैं उसके जैसे पुर्जे हैं उनको भी ठीक कर सकता हूँ, उछल भी सकता हूँ, कूद भी सकता हूँ, बोझा भी उठा सकता हूँ, और न जाने कौन कौन से काम, सभी काम मैं कर सकता हूँ। न जाने कौन कौन से काम ऐसे हैं जो आप नहीं कर सकते, वो मैं कर सकता हूँ। तुम्हारे शरीर से सिराएं और धवनियों का जाल बिछा, यानी मनुष्य के शरीर में क्या है?
ज्यादा से ज्यादा क्या है, सिरे और धमनी और उनमें रक्त का प्रहार होता है। हमारा शरीर, हम जीवित कैसे अगर हमारे सभी अंगों में रक्त का प्रहार नहीं होगा। प्रहार का मैंने बताया था पहा, यानी जब तक हमारे शरीर के अंदर रक्त बहता नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते और हमारा शरीर भी उसी पर चलता है। हमें पता है कभी कभार हमारे हाथ में चोट लग जाती है अचानक में, तो क्या होता है, खून का थक्का बन जाता है, यानी खून वहीं पे इकट्ठा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में रक्त का प्रहार, यानी रक्त बार बार चलता रहता है, बहाव चलता रहता है, और जब अचानक में हमारे हाथ या हमारी उंगली किसी गेट में आ जाती है तो अचानक से लग जाने से वह खून वहीं रुक जाता है और फिर बाद में बहना शुरू हो जाता है, और जहां पर वो खून रुक गए वहां पर एक थक्का जैसा बन जाता है। तो क्या होता है, हमारे शरीर के रक्त का बहाव है, अचानक में चोट लगने से वही रुक गया। उसी प्रकार वो कह रहे हैं मनुष्य के शरीर में तो खून का प्रहार होता है और मेरे शरीर में किसका प्रहार हो रहा है, भी विद्युत धारा का। इसी रक्त से तुम्हें शक्ति मिलती। अगर हमारे शरीर में रक्त नहीं होगा तो हमें क्या होगी, कमजोरी एहसास होगी, हम खड़े हो नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते। तो हमारे शरीर में खून तो बहुत जरूरी है, लेकिन मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा। अब देखो मनुष्य के शरीर में तो सिराएं, ध्वनियां, अस्थियां, ये मांस, ये सभी है, और हमारे रक्त का प्रहार किससे होता है, सिराओं और ध्वनियों से होता है। परंतु रोबोट कह रहा है मेरे अंदर क्या है, पूरा जाल बिछा है, किसका, तारों का, यानी तार है पूरे शरीर में मेरे, और तार के द्वारा क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा अगर हम बीच में से किसी तार को काट देते हैं तो क्या होता है, आगे विद्युत धारा जाना बंद हो जाएगी। तो वैसे ही मनुष्य के शरीर में जैसे धक्का बनता है खून का, वैसे ही रोबोट के शरीर में तारों का जाल होता है। अगर हमें हम किसी भी तार को काट देते हैं तो क्या होगा, वह अंग आगे का काम करना बंद हो जाएगा। तो तारों का जाल बिछा होता है और इन तारों में खून की जगह विद्युत धारा बहती है। जैसे मनुष्य के शरीर में रक्त बहता है, वैसे ही रोबोट के शरीर में विद्युत धारा बहती है। यही विद्युत धारा मुझे काम करने की शक्ति देता है। जैसे मनुष्य के शरीर में क्या है, खून, रक्त, और रक्त के द्वारा ही मनुष्य चल फिर सकता है। अगर खून नहीं होगा तो व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। उसी प्रकार अगर रोबोट के शरीर में विद्युत धारा नहीं होगी और विद्युत प्रवाहित नहीं होगी तो रोबोट भी क्या होगा, चल फिर नहीं सकेगा, वह भी वहीं रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। तुम सोचते होंगे कि मैं निर्जीव पुतले ये सब काम कैसे करता हूँ, यानी रोबोट अपने आप को निर्जीव बता रहा है। हमें पता है सजीव और निर्जीव में क्या होता है, हमने पढ़ चुके हैं। हम सजीव हुआ है जो सांस ले सकता है, अपना कार्य स्वयं कर सकता है, ऐसे हम देखते हैं कि निर्जीव क्या है, रोबोट निर्जीव है, फिर भी वह कार्य तो कर सकता है, परंतु कौन से कार्य कर सकता है, जिसे आप आदेश देते हो वही काम कर सकता है, हर किसी कार्य को वो नहीं कर सकता। आप जिस कार्य को करने के लिए उसे आदेश देंगे वही वो काम कर सकता है, पर मनुष्य जो अपनी इच्छा या मन में सोचता है उस कार्य को वह कर सकता है। तो कह रहे हैं कि मैं तो निर्जीव हूं और मनुष्य सजीव है, सभी अपने दिमाग में सोच के अपना काम स्वयं कर सकता है, दिमाग से सोच सकता है, परंतु रोबोट नहीं सोच सकता, उसे जो आदेश मिलेगा वही कर सकता है। काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क है, यानी मस्तिष्क सभी के होता है, मनुष्य के शरीर में भी मस्तिष्क निवास करता है। क्यों? अगर हमारा मस्तिष्क नहीं होगा, दिमाग नहीं होगा तो क्या होगा, हम न सोच सकेंगे, न किसी कार्य के प्रति हम जाग सकेंगे या जागरूक हो सकेंगे कि कौन सा कार्य हमारे करने योग्य है और कौन सा नहीं करने योग्य। तो मनुष्य के शरीर में दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, जिसके द्वारा वह सोचते हैं, उसमें बुद्धि विकसित होती है, कौन सा कार्य करना है उसे बताती है। और रोबोट में क्या होता है, रोबोट का मस्तिष्क कौन है, कंप्यूटर। मेरा मस्तिष्क कंप्यूटर है, यानी जो आप कंप्यूटर में डालोगे, जो आदेश करोगे, आज्ञा दोगे, वही कार्य हमारा रोबोट करेगा। जो भी मुझे करना होता है उसके लिए मुझे कंप्यूटर आदेश देता है, यानी हमें पता है कि मनुष्य तो अपने दिमाग से कार्य करता है, अपनी बुद्धि से कार्य करता है, परंतु रोबोट को अपना कार्य करने के लिए कंप्यूटर को आदेश देना होता है। अगर वो आदेश देगा
तो ही हमारा कंप्यूटर आदेश देगा, तो ही हमारा ये रोबोट काम कर सकेगा, उसी आदेश के अनुसार मैं काम करता हूँ, यानी जो आदेश दिया गया है उसी के अनुसार मैं कार्य करता हूँ। कंप्यूटर की स्मृति में वह सब संचित रहता है जो मुझे करना होता है, यानी जिस कार्य को मुझे करना है, कौन कह रहा है, रोबोट, जिस कार्य को मुझे करना है वो सभी मेरी मेमोरी संचित होता है, कहाँ होता है, कंप्यूटर की स्मृति। कंप्यूटर की स्मृति कौन सी है, मेमोरी, यानी कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसके अंदर क्या होता है, हमारी जो भी बातें होती है कंप्यूटर में हम डालते हैं, या कंप्यूटर के अंदर जो आप कार्य करने के लिए आदेश या आज्ञा देते हैं वो सभी हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, फिट कर देते हैं, और वो किस में फिट होता है, मेमोरी में हमारे, तो मेमोरी में फिट होगा तो वही कार्य हमारा ये रोबोट करेगा, कंप्यूटर करेगा। अगर मेमोरी में फिट नहीं होगा तो वह कोई भी कार्य नहीं करेगा, इसलिए कंप्यूटर के से जो भी कार्य करवाना होता है उसे हमें मेमोरी में पहले फिट करना होता है, ठीक है। और अब पता चल गया होगा ये पार्ट हमारे किससे जुड़ा हुआ है, रोबोट से, और अब इसके हम कक्षा कार्य व गृह कार्य पर्सन देखेंगे। रोबोट किसे कहते हैं, रोबोट एक यंत्र या मशीन से बना हुआ यंत्र है, उसे हम रोबोट कहते हैं। मनुष्य और रोबोट में क्या क्या अंतर है, देखो मनुष्य अपने कार्य कर सकता है अपनी इच्छा से, बुद्धि से, पर रोबोट नहीं कर सकता उस कार्य को, और मनुष्य का शरीर हड्डियों, अस्थियों, मांसपेशियों, ध्वनियों, इनसे बना हुआ होता है। रोबोट का शरीर किससे बना होता है, लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना हुआ होता है, और मनुष्य के शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, और रोबोट के शरीर में किसका, विद्युत का प्रवाह होता है। अब पर्यायवाची शब्द, हाथ, कर, पानी, हस्त, मानव, नर, मनुष्य, पुरुष, मनुष्य, शरीर, तन, देह, घात, विद्युत, बिजली, चंपला, चंचला, अंग, अक्ष, अवयव, हिस्सा, भाग, कुछ भी कह सकते हैं। रोबोट किसकी आज्ञा या आदेश से काम करता है, रोबोट कंप्यूटर के आदेश से काम करता है, स्वयं की इच्छा से नहीं करता। निर्जीव व सजीव में क्या अंतर है, मैंने आपको बताया था निर्जीव और सजीव में क्या अंतर है, और उदाहरण सहित बताना, उदाहरण इसमें आपको मैंने पढ़ाया जब समझाया था वो उदाहरण देने हैं। रोबोट का मस्तिष्क कौन है, यानी रोबोट को कौन आज्ञा देता है उसको समझाना है। धन्यवाद।